नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे सेटअप के बारे में। बहुत सारे आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके पास छोटा सेटअप है और छोटे सेटअप में काफी बढ़िया चलता है। देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटे सेटअप जिनके पास है उनका वही इकलौता बिजनेस नहीं है, वो डीजे का काम एज ए साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका जो दूसरा काम है वो तो चलता रहता है। जब डीजे का काम आए, ऑर्डर आए, तब डीजे का कर लिया, नहीं तो रेगुलर जो बिजनेस है, जो काम है वो कर लिया। और सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस छोटे सेटअप में ही है, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए। बड़े सेटअप में रिस्क भी बड़ा है और सक्सेस होने के चांस भी कम होते जाते हैं, लेकिन छोटे सेटअप में सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि छोटे सेटअप में आपके पैसे कम लगे हुए होते हैं, जो कि छोटे सेटअप का प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, छोटे सेटअप वाले से कहीं कोई कंपटीशन एक्सपेक्ट नहीं करता। ये नहीं कि तुम्हारा इतना ही लाउड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपको कंपटीशन वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और छोटा सेटअप आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस नहीं है, एज अ साइड बिजनेस है, तो आपको क्या करना है, जब अच्छे रेट में ऑर्डर मिले तो ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। और जब ऑर्डर कम करोगे मेंटेनेंस कम होगा, और ज़्यादा रेट वाली ऑर्डर करोगे तो कम मेंटेनेंस और प्रॉफिट ज़्यादा। और एक बड़ी बात है कि छोटे सेटअप में क्वालिटी साउंड रखना काफ़ी आसान है। लिमिटेड कैबिनेट होते हैं, लिमिटेड एम्पलीफायर होते हैं, आप हर ऑर्डर के पहले 2-4 पिन 6 पिन होती है उनको चेक कर सकते हो, कौन सी चालू है कौन सी बंद है, या कंपोनेंट भी कम लगे हैं, HF भी कम है, मिड के स्पीकर भी कम है, आप हर एक कंपोनेंट को चेक कर सकते हो, बेस के स्पीकर को, मिड के स्पीकर को, HF को, हर ऑर्डर से पहले। तो आपके मटेरियल पर आपका पूरा फोकस रहेगा, आप हर बार उसको मेंटेन कर पाओगे, और ऑर्डर में जब भी आपका काम चल रहा हो आप सही क्वालिटी दे पाओगे। छोटे सेटअप की सबसे बड़ी खासियत और एक है, और जो खास करके गाँव में तो बहुत काम आती है, शहरों में भी आती है, लेकिन गाँव में तो रास्ते खराब होते हैं इसलिए काम आती है, और शहरों में जो छोटी गलियां होती है वहाँ पर ये बात काम आती है कि छोटे सेटअप की गाड़ी छोटी होती है, तो आप कहीं भी सेटअप की गाड़ी ले जा सकते हो, कहीं भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और आपको दिमाग में पहले ये नहीं ले आना है कि यार मेरी गाड़ी वहाँ तक जाएगी या नहीं। बड़े सेटअप के साथ हमेशा होता है कि 20% ऑर्डर तो इसीलिए कैंसिल हो जाती है कि रास्ता ठीक नहीं है या वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी, लेकिन छोटे सेटअप के साथ ये दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक काम पकड़ सकते हो, आपकी गाड़ी 99% हर जगह काम कर कर ही आएगी। और आज ये टॉपिक मुझे इसलिए सूझा क्योंकि मेरा एक दोस्त है, हालांकि मुझसे छोटा है लेकिन दोस्त ही है, जो पिछले 2 साल से ये बिजनेस एज अ साइड बिजनेस कर रहा है। और शुरुआत उसने की थी मटेरियल और एक छोटा जेनसेट लेकर, फिर 1 साल तक तो उसने रेंट की गाड़ी पर ही चढ़ाया, फिर 1 साल बाद बहुत ही सस्ता एक गाड़ी लिया है छोटा, और अब उस गाड़ी को बना रहा है। ये वीडियो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा। और वो गाड़ी बनने के बाद, पहले तो ड्यूल सेटअप था, 2 टॉप के साथ, 2 मिड 2 HF वाले टॉप थे, अब कुछ अलग किया है और अच्छा किया है, तो 1 प्लाज्मा 1 टॉप का उसका सेटअप पिछले 6 महीने से वो काम भी कर रहा है। और हालांकि उसके कैबिनेट पर जाली भी लगा हुआ नहीं है, क्योंकि कैबिनेट उसने वो खुद बनाए थे, तो जाली उसे मिली नहीं जो साइज में चाहिए थी, तो 6 महीने से ऑर्डर ऐसे ही बिना जाली के कर रहा है। और अब जाके जाली और उसकी गाड़ी दोनों का काम चल रहा है, अगले 1 महीने के अंदर उसका काम पूरा हो जाएगा, कैबिनेट सेटअप पूरा वो गाड़ी के साथ, तो मैं उसका पूरा वीडियो आपको दिखा दूंगा सेटअप के साथ भी। तो देखिए, जो नए बंदे इस बिजनेस में आ रहे हैं, जो भाई आना चाहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 5-6 महीने किसी सिस्टम वाले के साथ काम करो, उसके साथ रहो, चाहे बिना पैसे के हर ऑर्डर के साथ उसके साथ जाओ, ऑर्डर से आने के बाद क्या तकलीफ होती है, क्या मेंटेनेंस होता है, अगर कंपटीशन रहा कुछ रहा तो कितना नुकसान होता है, HF उड़ गए या प्रेशर मिड की कॉइल्स खराब हो गई, कोई बेस के स्पीकर खराब हो गए, इस तरीके के ये सारी चीज़ें आप खुद करीब से देख पाओगे अगर किसी सेटअप वाले के साथ काम करोगे, फिर आपको पता चलेगा मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, इसमें मेहनत कितनी है, ये सब बातें आपको समझ में आएंगी।
लेकिन छोटे सेटअप करने वालों के लिए इतना कुछ ज्यादा करना जरूरी नहीं है। आपको अगर सही से सारा सिस्टम चलाना आता हो तो आप छोटे सेटअप के साथ शुरुआत कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज आपके पास ज्यादा हो उतनी तो अच्छी बात है ही। छोटे सेटअप में क्या है कि आप बिजनेस को मेन बिजनेस नहीं बना रहे हो, कोई और भी आपका काम चल रहा है, तो इसमें रिस्क कम है, इसलिए कोई भी इसे ट्राई कर सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही थोड़ा टॉपिक था लेकिन मुझे लगा कि आपको बता दूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।